शिव राष्ट्रीय सेना के कार्यकर्ताओं की बैठक बख्शीपुर स्थित आर्य समाज मंदिर में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रितेश आला ने किया। बैठक में संगठन को मजबूत तथा संगठन के विस्तार पर चर्चा की गई तथा सर्वसम्मति से प्रिंस सिंह को संगठन का जिला अध्यक्ष चुना गया तथा उनका स्वागत किया गया। बैठक में कार्यकर्ताओं ने 2019 में लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए युवाओं का आह्वान किया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए शिव राष्ट्रीय सेना के प्रदेश अध्यक्ष रितेश आला और जिला अध्यक्ष प्रिंस सिंह ने कहा, वो जानकारी दे कि कितने जिलों में हमारे उत्तर प्रदेश में हमारी संगठन कार्य कर रही है, कितने सेना मेरे साथ है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मुझे यकीन है तो जानते होंगे उत्तर प्रदेश में हमारी शिव राष्ट्रीय सेना संगठन 36 जिलों में कार्य कर रही है और इसके साथ साथ में 8 राज्यों में भी कार्य कर रही है और आने वाले समय में जो हमारे माननीय अध्यक्ष रितेश कुमार आला जी ने लक्ष्य रखा है पूरे भारत में शिव राष्ट्रीय सेना का डंका बजाने का काम किया जाएगा। लेकिन यह चीज संभव कब होगा, जब आप सभी युवा साथी साथ में कदम से कदम मिलाकर चलने का कार्य करेंगे तभी यह चीज संभव होगा। और हमारे गोरखपुर जिले में हजारों की संख्या में हमारी संगठन पहुंच चुकी है, हमें ताकत दिखाने का वक्त आ गया है। 2019 में हम पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाया जाएगा, इस लक्ष्य के साथ हमारी संगठन काम करेगी। आप सभी के सहयोग से पुनः फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाया जाएगा, क्यों हम सभी युवाओं के ऊपर निर्भर करता है, तो हम सभी युवाओं को कमर कस देना है अभी से 2019 के लिए और पुनः मोदी जी को सरकार बनाने का काम किया जाएगा। साथियों जिला अध्यक्ष वैसे तो संगठन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पद है और हमें हमारे बड़े भाई रितेश साला जी और धर्मेंद्र जायसवाल जी इस पद को हमें दिए, मैं इन सबको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ और जहाँ तक हो सके मैं शिव राष्ट्रीय सेना के लिए काम करूँगा और शिव राष्ट्रीय सेना को पूरे भारत में विस्तार करूँगा। आज इस साप्ताहिक बैठक में हम लोग गोरखपुर ज़िले की बैठक कर रहे हैं जिसमें हम लोगों ने जिला अध्यक्ष की नियुक्ति की है। जिला अध्यक्ष के रूप में प्रिंस सिंह जी को नियुक्त किया गया है और इस बैठक में हम लोगों ने 2019 के लिए काफ़ी बड़ी रणनीति तय की है। धन्यवाद। क्या फिर मोदी को सरकार मिलाना चाहते हैं? मोदी जी को हम लोग फिर से प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। संगठन इसके लिए क्या चाहता है? संगठन इसके लिए उनके लिए प्रचार प्रसार और जो युवा यहाँ से शिव राष्ट्रीय सेना से जुड़े हैं इन लोगों के माध्यम से हम इनके क्षेत्र में प्रधान नरेंद्र मोदी जी के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए और वोट देने के लिए अपील कर रहे हैं। हम